doing good. So children, as we were doing exercise 1.1 of this chapter, integers, we have completed some questions, and as I have given this homework and some of the answers of few students were wrong, so I will explain you the concept once again. कि करना कैसे था, जस्ट अ करेक्शन वर्क. दिस इज जस्ट अ करेक्शन वर्क. यू डोंट हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. अगर आपका आंसर गलत होगा तो ही आप ये दोबारा करना. ऑलराइट, लाइक आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑफ सेकेंड पार्ट. द सेकेंड पार्ट वॉज जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली वंस अगेन. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -73 फ्रॉम -80. आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि डिजिट के साथ उसका नंबर, उसका साइन हमेशा जुड़ा रहता है, और साइन हमेशा उसके आगे ही आता है, पीछे नहीं आता. मींस 80 का साइन है माइनस और 73 का साइन है माइनस. ये साइन इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा. तो मैंने आपको बताया था, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बाद वाला नंबर पहले आएगा और पहले वाला नंबर बाद में. तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -80. -80 में से आपको माइनस करना है. किसे माइनस करना है? -73 को. नंबर क्या है? पूरा पूरा नंबर है -73, और ये पूरा नंबर है -80. तो -80 में से माइनस करना है -73 को. ऐसे लिखेंगे. नाउ -80, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, प्लस 73. नाउ सी, माइनस प्लस इज माइनस. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. तो माइनस करना है, लिखना नहीं है. जब हम माइनस करेंगे दिस विल बिकम 7. So the answer is 7. और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा है दोनों में से. 80 बड़ा है, 80 का साइन है माइनस. सो -7 इज द आंसर. ऑलराइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. मैंने ये इसलिए कराया क्योंकि कुछ आंसर्स मेरे पास गलत आए थे. सो ये करेक्शन था कि क्वेश्चन कैसे करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टेक केयर ऑफ दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. नाउ राइट डाउन टुडेज डेट ऑन द टॉप. 26 April 2021. So today we are going to do question number 4. Note down question number 4 from the book. It is subtract. Note it down from the book. Subtract -3 from 41. From the sum of 83 and -56. क्या करना है बेटा आपको? आपको माइनस करना है. क्या माइनस करना है? -341. क्या माइनस करना है? -341 को माइनस करना है. किससे? किससे माइनस करना है? फ्रॉम द सम ऑफ 83 एंड -56. 83 और -56 के सम से आपको -341 को माइनस करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम सम निकालेंगे और उस सम में से इसे माइनस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम सम निकालेंगे, सम ऑफ 83 एंड -56. तो सम निकालने के लिए 83 प्लस, सम मींस प्लस, किसे प्लस करना है? -56. प्लस माइनस इज माइनस. नाउ 83 -56 इज, विल सब्ट्रैक्टेड. 13 -6 इज 7 एंड 7 -5 इज 2. सो द आंसर इज 27. ये आ गया सम. 83 और -56 का सम है 27. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें? सेकेंड स्टेप में हमें 27 में से माइनस करना है -341 को. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -341 फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू. और इन दोनों का सम क्या है? 27. तो 27 में से माइनस करना है -341 को. तो माइनस माइनस इज प्लस. So you have to add 27 and 341 in your rough work. So
7 plus 1 is 8, 4 plus 2 is 6, 368. So the answer is, final answer is 368. This is the answer, 368. Understood? I hope everything is clear. First of all, we found out the sum of 83 and minus 56. And from the sum, we have subtracted minus 341. So the answer is 368. Alright, note it down, children. Note it down as neatly as I have done in your register. Very good. Now, write down in the next page or from there only if you have space. Question number 5. Note it down from the book. The sum of two integers is minus 278. If one of the integers is minus 156, find the other. Now see children, पहले मैं आपको question का मतलब बताती हूँ. Question का मतलब क्या है? दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स का सम है माइनस 278. उन दो इंटीजर में से एक इंटीजर है माइनस 156, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम दे रखा है और एक इंटीजर दे रखा है, दूसरा इंटीजर निकालना है, सेकेंड इंटीजर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अगर सम गिवन है और एक इंटीजर गिवन है, तो सेकेंड इंटीजर कैसे निकालेंगे? सम माइनस फर्स्ट इंटीजर. कैसे निकालेंगे? सम माइनस फर्स्ट इंटीजर. अगर क्या गिवन है? सम भी गिवन है और एक इंटीजर भी गिवन है, तो सेकेंड इंटीजर कैसे निकालेंगे? सम माइनस फर्स्ट इंटीजर. नाउ द सम इज माइनस 278. इसमें से माइनस करना है फर्स्ट इंटीजर. फर्स्ट इंटीजर क्या है? माइनस 156. माइनस 278. माइनस एंड माइनस इज प्लस. अगर ब्रैकेट आता है तो सीधा सीधा लिख देते हैं, अदरवाइज सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, लिखते नहीं. ना माइनस प्लस इज माइनस, मींस इन दोनों को क्या करना है, लिखना नहीं. 278 माइनस 156. 8 माइनस 6 इज 2. 7 minus 5 is again 2. 2 minus 1 is 1. Answer is 122. और sign किसका आएगा? जो बड़ा है. 156 बड़ा है या 278? 278 बड़ा है और 278 क्या है? कौन सा sign है? Minus. So the answer is minus 122. Understood? तो अगर आपके पास sum given है और first integer given है, तो second integer कैसे निकालेंगे? सम में से फर्स्ट इंटीजर माइनस करके. सम कितना है? सम इज माइनस 278 एंड वन इंटीजर क्या है? माइनस 156. सो वी हैव डन, वी हैव सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सम. सम इज माइनस 278 एंड वी हैव सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट इंटीजर माइनस 156. माइनस माइनस इज प्लस. नाउ माइनस प्लस इज माइनस एंड साइन किसका आएगा? जो बड़ा है. सो द आंसर इज माइनस 122. इट मीन्स second integer is minus 122. All right, note it down. Now children, what you have to do in your homework, take out your book. This is question number 6. This question you will do in your homework.
I will explain you the question and then you will try it. Subtract the sum of -42 and -147 from the difference of -283 and -415. क्या मतलब है कि इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के डिफरेंस से. इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के डिफरेंस से. सम मतलब एड, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट. तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए. कैसे निकालोगे? -283 -415. ये एक आंसर आएगा स्टेप वन. फिर इन दोनों का सम निकालिए. कैसे निकालेंगे? -42 प्लस -147. ये सम आ गया. अब डिफरेंस में से सम को माइनस करना है. जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है इसके आंसर को. ऑल राइट, पहले इसका डिफरेंस निकालिए फर्स्ट स्टेप, इसका सम निकालिए सेकंड स्टेप, और फिर इसके आंसर में से इसको माइनस करिए. ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा सेंड इट टू मी, आई विल सॉल्व इट अगेन, बट डू ट्राई एट होम. ओके, इसे ट्राई करिए और सही आंसर निकालने की कोशिश करिए. देन रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू टुमारो. बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स.